स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन दुनिया विद अमन में। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर हमने शुरू कर दिए अपने लेशंस को, तो आपके जो RRB आर्प कंप्यूटर बेस्ड 2 सेकेंड फेज़ की जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखें, एज वेल एज़ आपको वीडियो में सारी बातें बताई जाएंगी और साथ में आपको आने वाले टाइम इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी लेशंस मिलती रहेंगे। तो बिना सब्सक्राइब के कहीं मत जाना एंड कीप वॉचिंग। और हमारे वेबसाइट NTAExamResults.com जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर बेसिक इंजीनियरिंग की किताबें, बेसिक इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग की PDF नोट्स वगैरह सब अपलोड कर दी गई हैं फोकस स्टडी विद अभी चैनल के सपोर्ट के साथ। तो आप जाकर के देख सकते हो, वहाँ पर उनके PDF नोट्स भी आप मिलेंगे, आप पढ़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक और स्क्रीन पर भी आ रही है। रिकैप कर दूं आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले मैं तो हीट के बारे में बता दूंगा दोस्तों, उसके बाद मैं हीट की डिटेल्स बहुत अच्छे से बता दूंगा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की बात होने वाली है एग्जांपल को लेके हम पूरी कंसेप्ट को समझेंगे हीट का, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका आएगा। इसके बाद मैं स्पेसिफिक हीट वगैरह पढ़ाऊंगा। तो एक कप ऑफ कॉफी अगर रहते हैं टेम्परेचर 80 डिग्री तापमान पे और उसको फिर बाद में सराउंडिंग टेम्परेचर 26 डिग्री है उसमें ले जाकर रख देते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रोसेस में होगा, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उसके बाद हम जानेंगे टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर उसका डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मैं बता दूंगा दोस्तों। उसके बाद 5 तरह के स्केल्स बताऊंगा, उसके बाद कैसे उसे कन्वर्ट करते हैं वो सारी बातें करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। और अगर इन नोट्स को आप डाउनलोड करना चाहते हैं या फ्री में पढ़ना चाहते हैं डिटेल में मुझसे, तो अन अकेडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी इसकी पैरेलली लेशन स्टार्ट हो चुकी है रेलवे एग्जामिनेशन के लिए, अभी फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अन अकेडमी आप डाउनलोड कर लें और वहाँ में फॉलो कर सकते हैं आप। हीट, तो आज का हमारे लेशन में हीट है दोस्तों। तो हीट है क्या? बेसिकली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है, इतने को पहले समझते हैं। तो हीट जो होता है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं करना, हीट टेम्परेचर अलग चीज़ है, वो मैं बताऊंगा। हीट जो होता है बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं, तो हीट भी उनमें से एक एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो कि ट्रांसफर हो सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। कैसे? तो इवन क्रिएटेड एट द एक्सपेंस ऑफ लॉस ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मान लीजिए किसी फॉर्म, दो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है ये लॉस करेगा और ये वाला जो बॉडी है ये वाला जो एनर्जी बॉडी है ये गेन करेगा। इस माध्यम से भी हीट ट्रांसफर होता है जो एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हीट। तो हीट क्या है? तो हीट एक ट्रांसफर है एनर्जी का, ये एनर्जी का फॉर्म है जो कि ट्रांसफर हो सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, या तो वो डायरेक्ट हो या तो उस अदर ऑब्जेक्ट के लॉस पे हो, मतलब वो हीट लॉस कर रहा है और आपको गेन करवा रहा है। सो दिस इज द बेसिकली फंडा, ये फंडा है दोस्तों हीट का, हीट के कॉन्सेप्ट का। अब ऐसा यूनिट जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है हमारा हीट का, तो वो आपको मालूम रखना होगा जूल। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात जो है एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा आप जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, आपको जो न्यूमेरिकल्स मिलते हैं उसमें आंसर आपकी आती है कैलोरी में, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज करते हो, हमारी आंसर मिल नहीं रही है जो कि आंसर की दी हुई है, या तो आपके जो सॉल्यूशन या क्वेश्चन बैंक आप यूज़ कर रहे हो उसमें। तो रीजन यही होता है दोस्तों, वहाँ आपको यूनिट कन्वर्जन्स करने होते हैं। यूनिट कन्वर्जन्स मैंने अपने मेडिकल के जो कोर्सेज हैं उसमें बताए थे, बाकी यहाँ पर अभी उतनी टाइम नहीं है, हम डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं, बाकी आप समझ लो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप यूनिट कन्वर्जन्स एक बार पढ़ लेना। यूनिट कन्वर्जन्स की बात आती है दोस्तों, तो ऐसा यूनिट जूल होता है, और कैलोरी में अगर हम बात करें तो 4.2 जूल बराबर एक कैलोरी होता है। तो अगर आपको सवाल में अगर 4 कैलोरीज निकलते हैं तो इसको आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे एंड योर आंसर विल बी 16.8 जूल। ओके, अगर आपको एक जूल में पूछे कितनी कैलोरी होगी तो जस्ट ये डिवीजन में आ जाएगा, तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरीज। तो ये तो बात थी बेसिकली हीट के फंडा की। अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ कि इस फेनोमेनन को कैसे जस्टिफाई करते हैं, कौन सा ये फेनोमेनन क्या है पूरी बात। तो एक क्वेश्चन आपको मैंने दे रखा है, आप देख सकते हो। सपोज करना है कि हमने एक कप ऑफ कॉफी या कप ऑफ टी बनाया, अभी उसकी तापमान जो है 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उस कप की, उसके अंदर जो कॉफी है उसकी। अब उस कप को हम ले जाकर के अपने रूम में या अपने सराउंडिंग में, कहने का मतलब होता है अपने रूम में या आंगन में या कहीं पर भी आपने उसे रख दिया, जहाँ पर रखा है उसके आजू बाजू या जो भी उसकी एटमॉस्फेयर है, जो भी सराउंडिंग है, उसकी तापमान कितनी है दोस्तों? 26 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो लोकेलिटी है, जो आसपास के जो टेम्परेचर है वो है 26 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो कप ऑफ टी जो या कप ऑफ कॉफ़ी जो हमने बनाया है उसकी तापमान कितनी है एट द प्रेजेंट? 80 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा जा रहा है आपसे या आपको समझाना है कि अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए 10 से 20 मिनट तो क्या होगा, क्या कहलाएगा प्रोसेस, कैसे होगा? तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इसी पे। तो ये हमारा कप ऑफ कॉफी है
जिसका तापमान है 80 डिग्री सेल्सियस और ये सराउंडिंग है ठीक है जिसका 26 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या दोस्तों, आपने गौर किया होगा, बेसिक सिंपल साइंस का फंडा है कि अगर हम किसी कप ऑफ कॉफ़ी को रखते हैं और कुछ देर के बाद देखेंगे तो वो धीरे धीरे ठंडा होता चला जाता है। हमने उसे पानी नहीं डाला, हमने उसे किसी ठंडे चीज़ पर नहीं रखा, हमने सिर्फ उसे सराउंडिंग में रख दिया चाय को बनाने के बाद या दूध को गर्म करने के बाद, और वो थोड़ी देर में अब खुद से ठंडा होता चला जाता है और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरा ठंडा हो जाएगा एट अ लॉन्ग टाइम, धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है। तो ऐसा क्या क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, कभी आपने सोचा है? यही तो हीट है दोस्तों, दिस इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट। अब क्या होता है इस जगह पे, ये जो कप ऑफ कॉफ़ी है दोस्तों, इसकी टेम्परेचर, इसकी तापमान है 80 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग है 26 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या दोस्तों, हीट जो कप में होता है यहाँ से निकल करके ये सराउंडिंग में चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रांसफर हो जाता है सराउंडिंग में और इस वजह से जैसे जैसे इसकी टेम्परेचर, जैसे जैसे इस इनसे हीट ट्रांसफर हो रही है वैसे वैसे इसकी तापमान घटती चली जा रही है। और जो जो तापमान घट रही है दोस्तों, तो क्या हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है हमारा कप, एंड इसी फेनोमेनन को हम लोग हीट कहते हैं। हो क्या रहा है, तो ये ठंडा होता चला जाता है, कारण है इसका हीट। अब हीट को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे इसके बाद, तो ये देख लीजिए आप। तो वी रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम कॉफी एंड द मग टू द सराउंडिंग, ठीक है, इज नोन एज हीट। कहने मतलब इस एग्जांपल के आधार पे ये कह सकते हैं कि जो कॉफी मग से जो हीट ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग में, इसी मतलब जो कुछ चीज थी जो ट्रांसफर हो रही थी, इसी का नाम हीट पड़ गया दोस्तों। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। बेसिकली ये हीट जो ट्रांसफर होती है दोस्तों, वो हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर होती है कोल्डर ऑब्जेक्ट में। तो बेसिकली यही है फंडा, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट में ये ट्रांसफर होती है, इसी का नाम है दोस्तों हीट। तो आशा करता हूँ आपको हीट तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा पूरे कंसेप्ट के तौर पे। और ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में, मग है और इसे कप रख दिया सराउंडिंग में, चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम मग टू कप, दूसरा फ्रॉम सराउंडिंग टू कप, तीसरा नो चेंज, चौथा इन इक्विलिब्रियम। इस टाइप से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। अब चलिए देख लेते हैं दोस्तों टेम्परेचर, बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग हीट टेम्परेचर को एक समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हीट जो था वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी था जो कि ट्रांसफर होता था एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या हॉटर बॉडी से कोल्ड बॉडी में, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो तापमान मापता है। टेम्परेचर एक तापमान है जो कि मेजर करता है हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ बॉडी, कितना ठंडा है या कितना गर्म है वो मापने की शक्ति या जिससे हम नापते हैं या मापते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो कितना है, कितना है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, मतलब कितना उसका तापमान है। तो इस वजह से इसे टेम्परेचर कहते हैं, किसी भी बॉडी की गर्माहट या ठंडी को नापने के लिए जो यूज़ होता है फेनोमेनन उसे टेम्परेचर कहा जाता है। लेकिन हीट जो है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, हीट फ्लो जो होता है ना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ये होता है दोस्तों डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से। अभी हमने करेंट एग्जाम्पल देखा, इसकी तापमान 80 डिग्री सेल्सियस थी और सराउंडिंग की 26 डिग्री, तो इस गैप के कारण, मतलब जो कॉफ़ी कप की तापमान है 80 डिग्री और जो सराउंडिंग की तापमान है 26, इस दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस है जो कि डिपेंड करता है और ये जो डिसाइड करता है हमारा कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, और इसे ही हम लोग टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली टेम्परेचर एक मापना है या मापदंड है जिसे हम गर्माहट या ठंडा पहचान सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की, लेकिन हीट जो है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। तो आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर तो मापना है, लेकिन अलग अलग पैमाने होंगे, अलग अलग स्केल्स होगा जिसके आधार पर हम लोग टेम्परेचर नापेंगे, जैसे कि सेल्सियस स्केल आपने सुना होगा जिसमें हम लोग डिग्री सी लगाते हैं। सेल्सियस स्केल के आधार पर दोस्तों जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, आप सबको मालूम है। लेकिन अब चलिए आगे बात करते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, और बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं यूनिट कन्वर्जेंस के, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट केल्विन में। तो ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ यार, तो बिल्कुल देखो वीडियो। फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हुआ कुछ नहीं, सिंपल सी बात है आपको ध्यान में रखना है, जो मेल्टिंग पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके,
अगर हम वहीं हम बात करें केल्विन स्केल की, तो केल्विन में दोस्तों सिर्फ 100 ऐड करना है हमें डिग्री सेल्सियस में। इस टिप्स आप जान लो, डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस स्केल जो होता है इसमें आप 100 ऐड करो तो आपको केल्विन मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट हम 273 के इसकी आती है, तो 273 के आपको ऐड करना होगा, 100 आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऐड करना होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो मेल्टिंग पॉइंट या 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे आप देखोगे केल्विन का मेल्टिंग पॉइंट है 273 डिग्री केल्विन, तो मतलब 273 केल्विन इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान जब सेल्सियस पे होगा और उसे अगर हम केल्विन में दिखाना चाहें तो उसे हम 273 केल्विन कह सकते हैं। वहीं बात करें अगर बॉइलिंग पॉइंट की, तो मैंने क्या कहा 100 ऐड कर दो, तो 100 ऐड करेंगे तो 373 केल्विन, तो वही 373 केल्विन हमारा बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन स्केल पे। अब बात करते हैं दो और स्केल की, जिसके बारे में विस्तार से तो मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, समय की भी कमी है और साथ में आपको एग्जाम में क्वेश्चंस इससे ज़्यादा जो मैंने बताया उनसे आएंगे, तो इसलिए टेंशन की बात नहीं है। दो स्केल नाम आप सुन लो, समझे रहोगे, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसे आप सर्च करके पढ़ सकते हो। रीमर स्केल होता है और एक रैंकिन स्केल होता है। सारे में स्केल में यही है, उसका लोअर पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या आइस पॉइंट हम लोग निकालना है और बॉइलिंग पॉइंट, ये प्री नोन है दोस्तों, हम इसे जानना है, इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। और तीन मैंने स्केल बता दिया है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस टू केल्विन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, बने रहे हमारे लेशन के साथ, आने वाले नेक्स्ट पार्ट में आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक किए बिना कहीं मत जाना, कमेंट जरूर करना, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए लेशन में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग गाइज।